टेस्ट मैच से खत्म नहीं होगा टॉस। मुंबई में दो दिन तक चली आईसीसी की मीटिंग में टॉस को बनाए रखने का हुआ फैसला। कई क्रिकेट दिग्गज टेस्ट से टॉस का रोल खत्म करना चाहते थे। बॉल टैंपरिंग और टॉस में देरी जैसे मामले पर कड़े नियम लाएगी आईसीसी। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और हैंडकॉम के टैंपरिंग विवाद में फंसने के बाद आईसीसी के नियमों और कार्रवाई पर हुई थी कड़ी आलोचना। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 की कप्तानी करेंगे शाहिद आफरीदी। चोट की वजह से एन मॉर्गन हुए बाहर। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आईपीएल खत्म हुए, दो तीन दिन हो गए, लेकिन आईपीएल भुलाई नहीं जा सकती। वो इसलिए क्योंकि एक तो जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी, जो हर कोई चाहता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल के जरिए भारत को कई ऐसे युवा खिलाड़ी मिले हैं जो आगे चलकर इस टीम को चैंपियन बनाएंगे। तकरीबन दो महीने तक चले आईपीएल से न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के फॉर्म का अंदाजा लगा, बल्कि टीम इंडिया के सुनहरे भविष्य की एक खूबसूरत तस्वीर भी साफ हो गई। केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू, हाल तक टीम इंडिया से बाहर होते रहे इन तीन बल्लेबाजों ने आईपीएल में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि अब प्लेइंग 11 से इनको बाहर बिठाना आसान नहीं होगा। केएल राहुल के 14 मैच से 659 रन, अंबाती रायडू के 16 मैच से 602 रन और दिनेश कार्तिक के 16 मैच से 498 रन। ये आंकड़े इन तीन बल्लेबाजों के टॉप फॉर्म में होने की गवाही दे रहे हैं। इनके इसी फॉर्म को देखते हुए इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में भी जगह मिली है। अपनी धारदार तेज गेंदबाजी से सिद्धार्थ कौल ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आईपीएल के 17 मैचों में सिद्धार्थ कौल ने 21 विकेट चटकाए और पर्पल कैप की रेस में तीसरे नंबर पर रहे। उनके इस शानदार प्रदर्शन का इनाम सेलेक्टर्स ने भी दिया। उन्हें इंग्लैंड दौरे पर वनडे और T20 दोनों ही टीमों में शामिल किया गया है। इस आईपीएल ने तो टीम इंडिया की अगली लाइन की भी झलक दिखा दी। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, इनके तेवर और आत्मविश्वास को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया की अगली बैटिंग लाइन भी तैयार है। ऋषभ और श्रेयस तो टीम इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, मगर अपनी जगह पुख्ता करने के लिए इनके पास वक्त की कोई कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। अच्छा, निखिल कमेंट्री कर रहे थे तो बड़े नजदीक से आपने मैच भी देखे, मैं तो टीवी पर देख रहा था निखिल। लेकिन एक बात साफ है कि अब आने वाली जो भारत की पीढ़ी है क्रिकेटर्स, वो डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे और भी डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे। मतलब आप इन यंगस्टर्स को देखें जिस तरह ये खेलते हैं, मुझे लगता है अगले 5 साल में भारत क्रिकेट में सुपर पावर बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है विक्रांत भाई। एक 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं जो अभी शुभमन गिल, पृथ्वी शाह जिस तरीके से बात कर रहे थे, चाहे शिवम मावी हो जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। आपको कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 साल क्यों लगते हैं, क्योंकि आप अलग अलग दौर से निकलते हैं मैचेस के लिए। लेकिन फर्क क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट में, फर्क क्या है? आईपीएल में आप 40,000 लोगों के बीच में जब खेलते हैं ना, वहां पे आप बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो आपका दिल बड़ा हो जाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हो जाते हैं कि 14 मैच में खेला हूं 40,000 लोगों के बीच में, और अगर मैंने उसमें से 50% मैच में बढ़िया प्रदर्शन कर दिया, आपका दिल बड़ा हो जाता है। आपकी सोच ही होती है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हूं, मैं मैच जिताऊंगा, क्योंकि आप खिलाफ किसके खेल रहे हैं। पृथ्वी शाह ने कब सोचा होगा कि वो मिचेल जॉनसन को मिड विकेट पे छक्का मारेंगे? उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस देखिए कितना बड़ा हो गया होगा।
30,000 लोगों के बीच में मिचेल जॉनसन 145 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और फ्लिक पे छक्का मारा, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर और क्या है। सही बात है। और आप देखिए आने वाले वक्त के लिए भी, आप जो क्रिकेट भारत ने खेलनी है, अब एक साल ही उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप तक की क्रिकेट उठा लीजिए, भारत इंग्लैंड भी जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। पहले डर लगता था, इंग्लैंड से भी डर लगता था, ऑस्ट्रेलिया से डर लगता था, और वर्ल्ड कप तो कपाई देता था जो भारत के बाहर हो। लेकिन अब तो हम कह रहे हैं इंग्लैंड आए, मतलब इंग्लैंड का दौरा आए, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आए, वर्ल्ड कप जल्दी से आए। अब तो आपका जो डर है, फियर ऑफ फेलियर जिसको कहते हैं, वो खत्म हो गया ना। आप एक तो आपकी कला इतनी तरीके से पक गई है, पुख्ता हो गई है, और जो खाली स्टैंड में खेलते थे आप, जब घरेलू क्रिकेट खेलते थे, रणजी ट्रॉफी, आपको समय लगता था, आप अपनी कला को पकाने की कोशिश करते थे, जब कला पक गई है, अब जो 30,000 लोगों के शोर के बीच में खेलना है, उसके भी आप आदी हो चुके हैं। लगातार आप हर तीसरे दिन जब खेल रहे हैं तो आपको मानसिक तौर पर किसी चीज़ का डर नहीं है, आप तो सिर्फ अपनी कला के पीछे भाग रहे हैं। सही बात। और वो आपके अंदर एक तरीके से समा गया है कि खाली स्टेडियम है या भरा स्टेडियम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैट और बॉल लड़ाई है बस। लड़ाई तो वही होती है जिसे कहते हैं ना टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट वही है कि आप उसको संभाल सकते हैं जब आप अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, बीच में आईपीएल आ गया। अब आईपीएल में उस डगआउट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप जाते हैं, चौका मारा, छक्का मारा, आउट कर दिया, फिर आप कहते हो यार इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तो मैं ज़्यादा तैयार हूँ। अच्छा, कुछ एक दिक्कतें भी हैं। अब अगर आप फेजेस में देखें, आपका सबसे अगली चुनौती क्या है, अफगानिस्तान का टेस्ट मैच है। अफगानिस्तान ने 5 स्पिनर्स को अपनी टीम में रखा है और उनमें से राशिद खान है, मुजीब है, नाबी है। ये तीनों भारत को परेशान कर सकते हैं, खासतौर से तब जब इस टीम में विराट कोहली उस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। Hey guys, a lot of hard work going on, rehab is on, and just doing what I can do best in whatever I'm allowed to do at the moment. Just a shout out for all you guys, keep working hard, keep at it. Hard work is the only way, and hard work always pays off. Have a great day. Cheers. चाहत तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहने की है, जैसे विराट मुस्कुरा रहे हैं, मगर हकीकत है कि कुछ और ही राग अलाप रही है। दरअसल विराट जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, कई दर्द हैं जिन्हें छिपा रहे हैं। ये दर्द है जख्मी होने का, ये दर्द है इंग्लैंड दौरे के लिए प्रैक्टिस ना कर पाने का, ये दर्द है अनिश्चित भविष्य का। आपने खुद ही सुना, विराट कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड के दौरे से पहले फिट हो जाएं। विराट और रिद्धिमान साहा चोट, और अश्विन फॉर्म, कॉन्फिडेंस, पता नहीं टेस्ट मैच टेस्ट मैच क्या होगा, लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो अश्विन दिखे हैं, वो अश्विन बहुत कंफ्यूज दिखे हैं। वो भूल गए हैं क्या कि मैंने सबसे जल्दी 300 टेस्ट विकेट लिए। मैं हैरान हूँ विक्रांत भाई, जो उनके करीबी हैं, जो एडवाइजर्स हैं, फैमिली है, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। जब एक दिवसीय टीम से ड्रॉप हुए, T20 से ड्रॉप हुए, किसी को सिर्फ बैठ के उनको समझाना था कि आपने जैसे अभी कहा 300 विकेटें आपने कैसे ली, किस कला से ली, आपने ऑफ स्पिन से ली, कैरम बॉल से ली, और हर खिलाड़ी के उतार चढ़ाव आता है स्पोर्ट में। अब आप आईपीएल के जो इनिशियल कुछ मैचेस थे उसमें लेग स्पिन करने लगे, क्योंकि इस समय सब बात कर रहे हैं कि वनडेज और T20 में रिस्क स्पिनर्स ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। नहीं है नीली क्रिकेट, नीले कपड़ों में सफेद कला है जगह नहीं है। अब मुझे डर इस चीज का है कहीं ये ना हो कि लाल बॉल की क्रिकेट में भी वो कॉन्फिडेंस की कमी उनके खेल में दिखे। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, कि जिस तरीके से उनका ये सीजन गया है गेंदबाजी के लिहाज से भी, वहां पे कुछ झलकियां थी कि जहां पे वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे गेंदबाजी के लिहाज से देखें तो बॉल उनके हाथ से अच्छा भी निकल रहा था। तो मैं मानता हूं कि टेस्ट मैच को लेके सफेद कपड़ों में और लाल गेंद, उम्मीद करता हूं वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, क्योंकि चैंपियन बॉलर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात है, आपको इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ठीक है वहां पर स्पिनर का रोल इतना नहीं होगा, लेकिन अगर अश्विन पूरी तरह से 100% वो अश्विन नहीं हुए तो दिक्कत तो आएगी। खैर, वक्त ब्रेक का है, लेकिन आज आपकी मांग पर, पब्लिक डिमांड पर, स्पोर्ट्स तक की आईपीएल ड्रीम 11 चुनी जाएगी। ये होगा रात 8 बजे स्पोर्ट्स तक पर, यूट्यूब का चैनल है, आप 8 बजे खुद भी अपनी टीम चुन सकते हैं हमारे साथ। निखिल चोपड़ा को हमने चेयरमैन बनाया सिलेक्शन कमेटी का, 4 और सिलेक्टर्स होंगे इस आईपीएल की ड्रीम 11, स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे चुनी जाएगी। आपको तो सब्सक्राइब करना है फटाफट से, और यहां लौटना एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस आईपीएल से पहले रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 4 बार आईपीएल जीते थे। अब
हरभजन सिंह और रायडू भी चार चार बार आईपीएल जीत गए हैं, और ये दोनों भज्जी ब्लास्ट में इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं बिरयानी से लेकर सब बातों की। फिलहाल वक्त इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक और बुलेटिन है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे, आप फटाफट से सब्सक्राइब करें क्योंकि आज स्पोर्ट्स तक पर चुनी जाएगी आईपीएल की ड्रीम 11, जिसमें आप भी अपने 11 भेज सकते हैं, सवाल भी भेज सकते हैं। सब्सक्राइब करना है आपको फटाफट यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, और रात 8 बजे आपसे मुलाकात वहां होगी। फिलहाल यहां पर तो इजाजत दीजिए।